अच्छा, प्रॉम्प्टर ने भी ना मोदी को उसकी मेरे ख्याल से औकात बता दी। ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है। मोदी कितना काबिल है इसका अंदाजा कल पूरी दुनिया को हो गया। चुप हो जा सातवीं फेल। नहीं, एक मस्करे की जानिब से सामने आई और ये मस्करा कौन है? नरेंद्र मोदी। तेरा बाप आया। लेकिन अपना दिमाग भी कोई चीज होता है। मोदी को इतनी भी सेंस नहीं थी। बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। ये तो होगा। अब यही वजह है कि मोदी अपनी कौम से अपनी नलायकियां अपनी ना अहलियां छुपाने के लिए पाकिस्तान पर सियासत करता है हमेशा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो दोस्तों, एक बार फिर से हमारी प्यारी दुलारी फिजा खलीफा फिर से बड़बड़ाती हो गई, भारत के ऊपर बौखलाती हुई आ गई। मसला चल रहा था इसका इंटरनल राजनीति का, लेकिन मोदी जी के ऊपर इसको हमला बोलना था और हमला भी किस तरीके से बोला है आप सुनोगे ना तो आपको हंसी आ जाएगी। क्योंकि इसने डॉक्टर की डिग्री ले रखी है नहीं ले रखी वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन जाहिल पने की और बेहुदा पने की डिग्री इसने जरूर ले रखी है, वो अभी आपको अभी पता चल जाएगा। ये तो थी हमारी लोकल सियासत का अहवाल, लेकिन अब सियासत पर जरा नजर डाल लेते हैं। एक दिलचस्प इंटरेस्टिंग खबर एक मस्करे की जानिब से सामने आई और ये मस्करा कौन है? नरेंद्र मोदी, जो भारत का नंबर वन जोकर, आप सबको पता है। हाँ बिल्कुल, हमको पता है कि भारत का नंबर वन जोकर कौन है, पाकिस्तान का नंबर वन जोकर कौन है और पूरी दुनिया का नंबर वन जोकर कौन है। तो आप अपनी आवाम को पागल बनाने की कोशिश ना करें, सहलेंगे थोड़ा सा। और भारत का नंबर वन अगर कोई जोकर है तो वो है मिस्टर राहुल गांधी। पाकिस्तान का नंबर वन जोकर है तो वो है मिस्टर इमरान खान। और दुनिया का नंबर वन जोकर है तो वो है कटोरा खान, जो पूरी दुनिया के आगे अपना कटोरा लेके आगे बैठा रहता है। पाकिस्तान की सिचुएशन की बात करना चाहता हूँ कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। पड़ोसी मुल्क की मजे की बात मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो ये है कि वो नरेंद्र मोदी जो मजलूमों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता है। बकौल हमारी प्यारी फिजा खलीफा के मुताबिक हमारे देश में अल्पसंख्यक अकलियत यानी कि मुसलमान, इसको मुसलमानों से प्रेम है और किसी से नहीं है, कि असुरक्षित है और उन पे जुल्म ढाया जा रहा है और मोदी उन पे जुल्म किए जा रहा है। और इस जुल्म का कनेक्शन इसने कहां जोड़ा है आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। है और उसके जालिम होने की दास्तान है जो अमेरिका और इसराइल जैसे ममालिक पर में भी लिखने पर वो मजबूर हो जाते हैं। ये मोदी खुद को जमहूरियत का रखवाला कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में अकलियतें इसके शर से महफूज नहीं है, और शायद यही वजह है कि अब ये जालिम शख्स हिंदुस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनता चला जा रहा है। शर्मिंदगी तुमको होनी चाहिए, हमको तो हमारे प्रधानमंत्री पे गर्व है। मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने लगे। हमारे मोदी जी हमारे देश को नई नई ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं और वहीं तुम्हारा प्रधानमंत्री तुम्हारे को कर्जे पे ऊपर कर्जे के ऊपर कर्जे के ऊपर डाले जा रहा है। कि जी सऊदी फंड की जानिब से जो स्टेट बैंक के पास $3 अरब रखवाए गए हैं, ये जो डिपॉजिट की रकम है स्टेट बैंक के जरिए मुबादला जखायर का हिस्सा बन जाने से हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को, हमारी अवाम को क्या फायदा होगा? इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास कोई फायदा नहीं होने वाला। कलेली करो, अगर हमारा खसारा 10 से बढ़ता है तो पाकिस्तान डेंजर जोन में चला जाएगा। तो हमको हमारे देश के पीएम पे गर्व है, शर्मिंदगी करो तुम। मोदी कितना काबिल है इसका अंदाजा कल पूरी दुनिया को हो गया, जब मोदी एक तकरीब से खिताब कर रहा था और प्रॉम्प्टर के जरिए अपनी तकरीर पढ़ रहा था, लेकिन इस दौरान जो टेली प्रॉम्प्टर है उसमें शायद कोई मसला आ गया और वो बंद हो गया। उसके बाद मोदी की बोलती भी बंद हो गई और फिर उसके बाद मोदी अपनी तकरीर के दरमियान बार बार अड़ने लगा अपना तारा। अच्छा, प्रॉम्प्टर ने भी ना मोदी को उसकी मेरे ख्याल से औकात बता दी। जरा क्लिप चलाइएगा मोदी का, सुना आपने? अब इस बंदे को ये तक नहीं पता कि इसके मुल्क के नौजवानों का
टैलेंट क्या है? हमारे देश के नौजवानों के बारे में बोलने में तुम्हारी तो औकात ही नहीं है। औकात किसे कहते हैं ना, वो भी नहीं है। हमारे देश के नौजवानों का पूरी दुनिया के अंदर डंका बजता है। इस दुनिया में ऐसा कौन सा क्षेत्र रह गया जहाँ हिंदुस्तानियों ने अपने नाम की छाप नहीं छोड़ी हो, जहाँ हिंदुस्तानी नौजवान कोई ट्विटर का सीईओ बना हुआ है, कोई माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ है, वहीं पाकिस्तानी नौजवानों की हरकत भी देख लो। पाकिस्तानियों ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से शादी के उड़ाए गए पैसों को लोग कलेक्ट कर रहे हैं। चले प्रॉम्प्टर रुक गया, लेकिन अपना दिमाग भी कोई चीज होता है। मोदी को इतनी भी सेंस नहीं थी कि वो खुद से बोलना शुरू कर देता। अब मोदी ने कौन सा अंग्रेजी में तकरीर करनी थी, बल्कि तकरीर तो अपनी मादरी जुबान में करनी थी ना, लेकिन मोदी से ये भी नहीं हो सका। और अगर मोदी अपनी तकरीर पहले पढ़ लेता तो शायद इस शर्मिंदगी से बच जाता, पता होता कि आगे क्या कहना है। लेकिन उसने तकरीर भी पहले से नहीं पढ़ी थी, ये इसकी दिलचस्पी अपने मुल्क में। देखिए फिजा खलीफा से आप बहुत प्रेम करते हैं मुझे पता है, लेकिन ये एक नंबर की झूठी है, झूठी। अब मैं दिखाता हूँ, ये जो बोल रही है ना, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है। असली वीडियो ये देखिए। इंडियंस, हम भारतीयों का टैलेंट, देयर टैलेंट, जिस Are you able to hear me, Mr. Sharp? Yes, I hear you, Mr. President. As well? Are you able to hear the translation in English? I hear you very well, and I would suggest that we start the official. और मोदी को यही नहीं पता था कि उसकी पॉलिसीज आखिर क्या हैं। और मोदी का हाल आप समझ लें कि वो नलायक जो तालिब इल्म नहीं होता, जिसको कुछ आता भी नहीं है और वो किताब से भी देखकर सही से नहीं पढ़ सकता, यानी किताब से देख के अब सही पढ़ लें। अब यही वजह है कि मोदी अपनी कौम से अपनी नलायकियाँ अपनी ना अहलियाँ छुपाने के लिए पाकिस्तान पर सियासत करता है हमेशा। लेकिन अब मोदी का जो सारा खेल है एक प्रॉम्प्टर ने बंद होकर बंद कर दिया। फिजा खलीफा जी, हमारे मोदी जी को मत सिखाओ कि उनको कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है, अपने इमरान खान को सिखाओ जो कि बोला ही नहीं जाता। वो कितना हकलाता है, हकला शाहरुख खान भी शर्मा जाता है अब तो उसके आके। अब मोदी जालिम होने के साथ साथ नालायक, निकम्मा, नाहल और जाहिल भी साबित हो गया। एक टेलीप्रॉम्प्टर बंद होने से मोदी नाहल, जालिम, निकम्मा और जाने फलाना फलाना, बकौल फिजा खलीफा की माने तो वो सब हो गया है एक प्रॉम्प्टर फेल होने की वजह से। वाह वाह वाह, क्या लॉजिक है पाकिस्तानियों, ये आसमानी ज्ञान तुमको देता कौन है भाई? इतना संगीन आसमानी ज्ञान, इतना गहरा आसमानी ज्ञान तुम्हारे दिमाग की तुम्हारी नसों में कहाँ से आता है भाई, कहाँ से आता है भाई? हमारे हिंदुस्तान की आवाम जानना चाहती है कि तुम पाकिस्तानी लोग कौन सा नशा करते हो, वो भटक रही है इस नशे के लिए। प्लीज़ बताओ, हमको बताओ, एक प्रॉम्प्टन के फेल होने से मोदी की में इतनी सारी कमी आ गई है, बताओ। एक टेक्निकल फॉल्ट कहीं भी हो सकता है, तुम्हारे मंत्रियों को तो करंट लगते हैं। जो कोरोना का क्राइसिस हुआ है इसमें कई देशों की इकोनॉमिक क्रैश कर गई है, डूब गई है, बर्बाद हो गई है, लेकिन भारत अभी भी अपनी जगह खड़ा हुआ है क्योंकि भारत के पास में एक मजबूत सरकार है, मजबूत नेतृत्व करने वाला एक इंसान है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और तीन चार दिन से वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि आपके भाई की हो रही है तबीयत ख़राब, और आज भी इस फिजा खलीफा को देख के जोश जाग गया है, अभी भी मुझे बुखार हो रहा है। लेकिन आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ना तो आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करते हो ना मेरा ब्लॉगिंग चैनल फॉलो करते हो आप। अगर आप वो दोनों कर लेते हो तब तो मेरे बुखार से आपको कुछ फ़र्क पड़ता है। और मैं आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।